हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल मेरे कथा छोड़ गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार दोबारा से। और हम दोबारा से आज लेके आ चुके हैं चुचिस चार्लेस, और उम्मीद है कि आज हम इसका जो है एंड कर ही देंगे। चुचिस चार्लेस का भी एंड कर देंगे और इस गेम का भी एंड कर देंगे, फाइनली इस गेम को अलविदा कहेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स गो एंड जंप इनटू वीडियो। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। अगर अभी तक आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा चुचू चार्लेस का, तो गाइस आप जाके देख सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और गाइस लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम प्लीज, क्योंकि यार द थिंग इज दैट कि मजा भी आना चाहिए ना यार, कि हाँ मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो गाइस इस वीडियो का एम करते हैं ज्यादा नहीं, इस वीडियो का हम एम करते हैं सिर्फ 10 लाइक्स कंप्लीट कर देना। सो गाइस चलो चलते हैं। ओके सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हमारी ट्रेन के अंदर। हो तो गाइस हमने काफी जो है मिशन कम्प्लीट कर दिए, यू कैन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। हमने इधर का सारा सीन क्लियर कर दिया, इधर का भी सारा सीन क्लियर कर दिया। अभी गाइस हमने जाना है, अभी गाइस हम इस वे से चलते हैं, इस वे से चलते चलते इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। और ये जो 3-4 मिशन रह रहे हैं आज, इसको कंप्लीट करने के बाद आज हम गाइस चुचू चार्ले को मार ही देंगे, ठीक है गाइस। तो इधर ढूंढ लेते हैं आस पास अगर कुछ है तो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कुछ होगा यहाँ पे। हाँ है, स्क्रैप है ना, क्यों नहीं है। ओके गाइस चलो चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ, लोकल को मिलने जो कि इस विलेज में रहते हैं, जो कि इस विलेज में रहते हैं। और इस विलेज में रहने वाले सभी बंदों को मैं बहुत ज्यादा गाली देता हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ वो हरकतें ऐसी करते हैं जिसके कारण मेरे को गाली देना पड़ता है। तो चलो गाइस चलते हैं। बताए भाई, एक तो दूसरी तरफ से चढ़ सकता हूँ, ठीक है ठीक है। ले भाई चुचू आ गया, प्लीज चुचू। एक तो गया भाई, आ मत मा, अरे मारा भाई मेरे को उसने, बिल्कुल बकवास है, लेकिन डैमेज बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे को लगता है गाइस इससे ना कुछ नहीं बनने वाला, और इससे बनाना पड़ेगा। ये भी ओवरहीट हो गया, मैंने भाई गलती से पता नहीं क्या अपग्रेड कर दिया भाई, ओवरहीट हो जाती है, जो कि हम, मैं नहीं चाहता कि हम ओवरहीट करें अपनी गन को। चुचू भाग जा, एक तो ये ब्रिज है ना, तेरे को इसी ब्रिज पे लाके मारूंगा, तेरे को मैं बता देता हूँ। इसके पैर वैर नहीं टूटते क्या? भाग गया फाइनली भाई, क्या मिलता है इसको गाइस? मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं चीज को, समझ रहे हो ना, जब मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ तभी ये आ जाता है भाई, बिना फालतू के दब्बा करने के लिए। मैं तुमसे बात ही कर रहा था भाई, चुचू आ गया, लो भाई। और ठीक है यार, ये रॉकेट लॉन्चर की डैमेज तो बहुत है, बट यार द थिंग इज डेड की जो इसकी स्पीड बहुत स्लो है बाबा। चलो गाइस चलते हैं हम अपने मिशन। दोबारा से आ गया भाई, क्यों आया भाई फालतू का भाई, मैं ना उधर अपने लोकल मिशन के पास पहुंच गया था कि भाई ये दोबारा से आ गया। गाइस ओवरहीट नहीं होने दे सकते इसको हम, कितनी गंदी डैमेज है भाई इसकी। भाई ये कथी जहर है भाई, बट ओ बहुत है। भाग गया क्या? भाग गया भाई। ये भाई चुचू ऐसे ही क्या तुम? फालतू में बकवास, मेरे को फिर से गाइस 1000 मीटर दूर ले आया ये चुचू भाई, जहां भी मैंने जाना था वहां से 1000 मीटर दूर आ चुके हैं हम दोबारा से। व्हाट द हेक, दोबारा से जाना पड़ेगा वहां पे क्या भाई? चुचू क्या करता है यार तू, कैसे भाई? ये भी अजीब ही है भाई। भाई वैसे हम चुचू के साथ दोस्ती कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब भी ये आता है हमारी ट्रेन का पीछा करता है, जो हमें सिर्फ ये हग करने की कोशिश करता है, बट इसके नुकीले हाथों के कारण हम हग नहीं हो पाता हमें, समझ रहे हो? वो हमारे अंदर ही घुस जाते हैं ऐसा, बट क्या ही सोच रहा हूँ मैं, बट हाँ चलो भाई चलते हैं वहाँ पे दोबारा से। क्या भाई चुचू मत आना भाई इस बार, कहीं हम पहुँच चुके हैं फाइनली यहाँ पे। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को दोबारा से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बट नहीं ऐसा नहीं था। और जो भी था यार बहुत ही भाई, इस वक्त क्या होगा भाई चुचू मेरे को? ये तो वही, ये वही जगह नहीं आई क्या यहाँ पे? वो घूम रही थी गोस्ट, गोस्ट सा घूम रहा था जो भी था, वो जो हमें टेलीपोर्ट कर देता था। चलो भाई चलते हैं इस बंदे के पास और देखते हैं क्या बात करते, क्या मतलब हमसे ये कहते हैं। अभी ए क्या भाई तू ऐसे क्यों खड़ा, तेरे को डर नहीं लगता क्या? चुचू इधर ही घूम रहा है, चलो कोई नहीं करते हैं इससे बातचीत। मैं तेरे लिए नहीं काम कर रहा साले, खुद के लिए काम कर रहा है, इधर क्या बांधा है यार ये फालतू का।
वाह क्या बकवास बंदा है भाई, हमें बोल रहा है कि जो यूजलेस पीसेस हैं स्क्रैप के, जो कि इसके कोई काम नहीं है, ठीक है, वो ये स्क्रैप के पीसेस हमें दे देगा क्योंकि हमें मतलब कि उसकी जरूरत है, इसलिए वे उसको यूजलेस। क्या बंदा है भाई फालतू का, साले अगर मेरी मजबूरी ना होती ना, इधर तेरी हेल्प नहीं करता था, तेरे की ऐसी की तैसी कर देता। अगर उसने हमें बोला है कि पता नहीं टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, इसके ऊपर जाना मेरे को लगता है, हाँ उस बिल्डिंग के ऊपर जाना है हमने, और इसके जो है पेपर वेपर पड़े हैं कुछ फाइल, वो उसको लाके वापस देने। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं जंप मार सकते हैं क्या। ओ इतनी बड़ी जंप, ओ मैन कथे मैं तो गाइस सुपर हीरो बन गया। अरे बाप मैं तो सुपर हीरो बन गया, इतनी लंबी जंप हम मार सकते हैं क्या, मेरे को नहीं पता था भाई। अगर इतनी लंबी जंप मार सकते तो भाई मैं चुच्चू के ऊपर अपना कूद जाऊं जब वो आता है। ये भी सही है भाई। ओके तो ये ग्रीन पेंट है जो कि हो भाई, चुच्चू आ गया, लेकिन कोई चिंता नहीं है गाइस क्योंकि वो घर के अंदर नहीं घुस सकता बिकॉज ही इज अ ट्रेन। ये बंद पड़ा ऊपर से, तो मेरे को कहाँ जाना है, अच्छा इधर से चढ़ के जाना है, बट चुच्चू आ गया नहीं भाई, डर लगा था लेकिन। ऐसे इसके ऊपर चढ़ के जाना है भाई, कत पार कर रहा है भाई ये तो, अल्ले भाई। अच्छा ये ऐसा भी होगा क्या, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा होएगा, तो कोई बात नहीं गाइस ध्यान से चलते हैं, अब भगवान करे हमें गेट मिल जाए नहीं तो, क्योंकि ये तो बंद है भाई। मैं कौन से गेट से घुसा था भाई अंदर, अच्छा उसके गेट से अंदर घुसा था मैं, ओके भाई साहब गजब भाई गजब गजब गजब। चलो गाइस चलते हैं, अभी हमें एक तो पढ़ाव मिल ही गया जहाँ पे हमने इतनी जोर जंप करनी है जो कि हम आराम से कर लेते हैं। इसके बाद गाइस हमने इसके ऊपर चढ़ना है, ओके ओ फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ऊपर। स्क्रैप दुनिया भर के, और ये क्या है भाई, पुरानी बॉटल्स बिस्की की, और नाइस ये नहीं, ये भी नहीं खुल रहा भाई, अब कहाँ जाना, अच्छा इसके ऊपर जाना भाई ठीक है। मतलब इधर बंदा खड़ा हुई, ओके ऐसे हम इसके ऊपर भी आ चुके हैं। ओ भाई कैसे वैसे कैसे घर हैं भाई इधर, मतलब ये अब कैसे भाई, क्या करना अब, अभी इधर से भी जंप वंप करनी क्या कहीं पे, देखो लग रहा है गाइस हमें उधर जाना पड़ेगा जंप करके, उधर से भी चाबी वाबी मिलेगी तो इसे खोलना पड़ेगा ऐसे कुछ। ओए इतनी दूर जंप कर सकता हूँ क्या मैं, ओ लेट्स ट्राई, आ नाइस, ओ भाई ले चोट लगी बट कोई बात नहीं, ठीक था सीन। ओके हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमें क्या कुछ मिलेगा, मिलना तो चाहिए यार। ओह मैं गिरने वाला था अभी, इसके नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है यार मेरे को लगता है, तो हमें चाबी इधर ही से कहीं से मिलने वाली है बट कहाँ से नहीं पता। ओके हियर वी गो जंप, ओके भाई कथे कैसे घर में घुसेड़ दिया भाई हमें, ये ले भाई ले भाई, तो भाई गेट नहीं खुलते, ये भी सही है भाई ये खुल गया ये। अच्छा मैं चाबी ढूंढने की कोशिश कर क्या कर रहा था भाई, पेपर इसके बीच में पड़े हुए थे और मैं चाबी ढूंढ रहा था, भाई साहब ये भी सही है भाई। बट ऐसा सीन है अगर मेरे को चाबी मिल जाए तो मैं ये गेट्स खोल सकता हूँ जो कि नहीं खुले हुए हैं, बट कोई नहीं हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने उसका जो भी था ये क्या कहते हैं क्या नाम है इसका भूल गया, हाँ इसके फाइल का जो भी है इसको चाहिए थी वो हमने ले लिया, और अभी हम चलते हैं नीचे। ये पता नहीं मैं कहाँ से गिरा बट मैं गिरा बहुत गंदा वाला यार, शॉर्टकट गाइस शॉर्टकट शॉर्टकट, ओके गाइस ये शॉर्टकट लेके हम नीचे आ चुके हैं, चलते हैं उसी बंदे के पास उसको देते हैं फाइल्स, और अगर उसने कुछ अभी बकवास की ना फालतू की उसकी ऐसे की तैसी कर दूंगा भाई सच बोल रहा हूँ। और साले तो खुद नहीं ऊपर चढ़ के लेके आ सकता, क्या डर लगता तेरे को जंप मारने से, चल भाई। भाई कैसा बंदा है ये, फालतू की बातें मत कर, तेरी दाढ़ी से फाड़ दूंगा मैं, मतलब जो छोटी सी दाढ़ी है ना तेरी, देख ले इसको खींच दूंगा। मैं तेरे घुसुंड मारूंगा भाई, कह रहा है ये रहे स्क्रैप जिसके लिए तो भिख मांग रहे थे, भाई भिख वक नहीं मांग रहे हम, भिख मंगी है थोड़ी ना कोई, कुछ भी भाई बोलता है ये बंदा फालतू का। चलो भाई चलते हैं यहाँ से अपनी ट्रेन की तरफ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन के पास। तो गाइस समटाइम इट्स हार्ड टू फाइंड अवर ट्रेन, बट बस चुच्चू ना आ जाए एक बार, मेरे को ट्रेन पे जाने दे फिर मिलेंगे तेरे को चुच्चू, समझ रहा है ना, डरते थोड़ी ना तेरे से, मतलब क्या बोलूंगा। फाइनली हम अपनी ट्रेन पे आ चुके हैं और हम ट्रेन को अच्छा कलर भी कर सकते हैं, बट दिस इज लुकिंग गुड। गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट बंदे के पास, यहाँ से 735 मीटर दूर है वो, और चलते हैं हम वहाँ। आ जा भाई चुच्चू तू आ ना कहीं से, तेरे को मैं ऐसा धब्बा करूंगा ना, मतलब क्या बोलूं, फाड़ फूड दूंगा भाई मैं तेरे को। ओके फाइनली हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे, यहाँ पे हमारा बंदा, मतलब हमारा बंदा नहीं, यहाँ पे बंदे को हमारी हेल्प चाहिए या फिर वो हमारी हेल्प कर सकता है, दैट्स इट। ये रहा, ए टकलू क्या हो गया, ये ऐसे क्यों खड़ा तू, ये तो नशेड़ी सा लगता मेरे को, पता चले हमें ठग वग लिया इसने, चलो इनका करते हैं इससे बातचीत।
ये नहीं खुलता क्या? नहीं खुलता साहब। ओके तो गाइस इसने हमें, गाइस मैंने इससे बात की और इसने हमें बताया भाई डर लगा मेरे को, मैं क्लॉज चुचू आया। हाँ तो गाइस इसने हमें बताया कि पहले मैं ट्रेन में जाता हूँ फिर बात करता हूँ तुमसे। ये ले भाई चुचू आ गया मेरे को लगता है। ओके तो गाइस इधर ही से पास में ही है एक और बंदा जिसको हमारी हेल्प चाहिए। तो गाइस इसी बंदे ने हमें बताया कि तुम्हें 3 eggs चाहिए रहेंगे उसके लिए, ठीक है। और जब वो तुम 3 eggs को, पता नहीं इसने एक मंदिर वंदिर की बात बताई कि अगर तुम 3 eggs को लेके उस मंदिर में जाओगे, ठीक है, उस मंदिर में जाके सीन क्या रहेगा कि तुम 3 eggs को वहां पे एक प्रिज्म कुछ करके है, प्रिज्म टाइप, अगर तुम उस प्रिज्म में घुसेड़ दोगे वो 3 अंडों को, ठीक है, जो कि तुम्हें मिलेंगे, जो कि मैंने पहले भी एक बुड्ढी ने बताया तुम्हें 3 अंडे चाहिए, ठीक है, अगर तुम उसको घुसेड़ दोगे उसमें प्रिज्म में तो वहां पे ये क्या था, अच्छा ये लगा रखा इसने, मेरे को लगा भाई मेरे को किसी ने धक्का किया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अगर तुम वो 3 अंडों को उस प्रिज्म में लगा दोगे तो वहां पे जो है चुचू मतलब स्पॉन हो जाएगा अपनी फुल ताकत के साथ, मोर्टैलिटी के साथ, तब उसके बाद तुम उसको मार सकते हो, उसने हमें ऐसा बताया। तो चलो गाइस पहले हम देखते हैं, यार एक तो इनके गेट पता नहीं है क्यों नहीं बंद रखते हैं। तो गाइस चलो करते हैं इससे बातचीत, उससे भी बातचीत कर ली है, ठीक है। तो भाई इकट्ठे, अरे ले भाई तो ये इकट्ठे ही मिशन कंप्लीट करेंगे इन सबके मेरे को लगता है। हम ये देख ले कैसे खड़ी है बुड्ढी, है बड्डी, ये तो ड्राइवरी की वेरे इतनी बुड्ढी है पता नहीं यार, चलो जो भी है। तो इसने हमें बताया जहाँ पे जो पड़ा हुआ था वो सामान सा, इसने बताया कि जो ये सामान है ये एक गन का सामान है, बंदूक का सामान है, जो कि इसके हस्बैंड ने चार्ली को मारने के लिए बनाई थी। बट द थिंग इज दैट कि वो जो भी इधर मतलब एक कुछ बुरे लोग भी है ना इधर, तो वो बुरे लोग ले आई, तो वो बुरे लोग इसकी जो मतलब की गन है इसके हस्बैंड के, उसका आधा हिस्सा ले गए थे। तो इसने बोला कि उसका आधा हिस्सा तुम्हें उनसे ढूंढ लेना पड़ेगा फाइट करके उनके साथ, और उसके बाद तुम्हें इन दोनों को जोड़ के तुम्हें एक गन मिलेगी, ठीक है, जो कि काफी अच्छी गन है, उसके साथ तुम चार्ली को आराम से मार सकते हो। और इसने एक और बात बोली कि जब तुम गन बना लो तो उस गन का नाम बॉब रख देना इसके हस्बैंड की याद में, ऐसा कुछ। वो चलो ठीक है कोई बात नहीं गाइस, और चलते हैं गाइस हम देखते हैं अभी हमने कहाँ जाना है, कहाँ से हमें जो गन का दूसरा हिस्सा मिलेगा। गए तो गए, मैंने जाने से पहले देखा कि एक और बंदा है इधर जिसको हमारी हेल्प चाहिए या हमें उसकी हेल्प चाहिए, कुछ भी मान लो, ठीक है, हम उसकी भी हेल्प करके ही चलते हैं। उसके बाद ही गाइस हम लोग सारा का सारा सीन करेंगे, इकट्ठा करेंगे सबसे रैसला लेके कि कैसे हम चार्ली को मार सकते हैं, चार्ली को मारेंगे, ठीक है। तो वो सामने ही है गाइस घर उसका, चलो गाइस चलते हैं। वाह गाइस क्या घर बनाया यार इस बंदे ने, लेकिन मस्त है यार ये घर, मेरे को सबसे अच्छा लगा भाई। इस विलेज का सबसे टॉप घर है ना जो लग्जरियस हाउस हम कह सकते हैं, वो यही है मेरे को लगता है। चलो भाई और ले भाई, गेट भी खुला है इसका, सही है भाई। और पहले तुम गाइस सबसे पहली बात जो कि हम हमेशा करते हैं, छानबीन करेंगे घर की और देखेंगे कि हमें कुछ काम का मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब मिलेगा यार क्यों नहीं मिलेगा। ओके ओके तो यहाँ पे है नहीं कुछ इतना खास, तो गाइस चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि गाइस यहाँ पे भी कोई हमें, यहाँ पे बंदा तो खड़ा है बाहर, बट हम बंदे को बाद में मिलेंगे, पहले हमें स्क्रैप चाहिए दुनिया भर के। भाई कितना मस्त घर है भाई ये, मेरे को मस्त लगा भाई इस बंदे का घर। ओ भाई साहब कत्था या आलिशान बंगला लग रहा भाई पुराने जमाने का, पर कोई नहीं। ओके तो गाइस हमने उठा लिया आई थिंक स्क्रैप, चलते हैं इस बंदे के पास। अरे ये कत्थी चोखा यूजिन के जैसा नहीं लग रहा क्या, मेरे को तो यूजिन ही लग रहा भाई ये। ओ भाई यूजिन की याद आ गई यार, चल कोई नहीं करते हैं बात। ओके तो ये यूजिन का लड़का है, सही है, पॉल है इसका नाम। ओके तो इसने बताया कि माइन का जो बॉस है वॉरन वो प्रोटेक्ट कर रहा है एग्ज को, बट हम तो ले लेंगे कोई चिंता नहीं, हमें चुच्चू को मार। ओके तो गाइस इसने हमें बताया कि मैं भी, क्योंकि मेरे फादर का भी यही सपना था कि हम चार्ली को मार दें, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और मेरे पास एक परफेक्ट ट्रैप है, और वो ट्रैप क्या है कि उसने हमें कुछ आई थिंक बॉम्ब्स दे दिए हैं जो कि हमें एक जो ब्रिज के नीचे लगाने हैं, ठीक है, ब्रिज के नीचे लगाने के बाद, यही ब्रिज है क्या गाइस, यही ब्रिज है। तो उसने बोला कि 8 bombs प्लेस करने हैं तुमने ब्रिजेस के इधर, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे देखो लाइक दिस वन। तो जैसे ही चार्ली के साथ तुम चार्ली को लाइक स्पॉन कर लोगे और चार्ली को तुम इधर लेके आओगे तो उसके बाद हम बॉम्ब का बटन वटन दबा देंगे यहाँ कुछ ऐसा, इसने बोला, और ये ब्रिज टूट जाएगा और चार्ली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो भाई 1 2 3 भाई 8 bombs लगाने हैं, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैप्स जो कि हमें चाहिए रहते, हमने 3 bombs तो लगा ही दिए हैं, जो कि मेरे को लग, भाई अगर मैं इधर से गिरा वो भाई कत्थे ही भाई मरवर जाऊंगा मैं। ओके 4 5 ये तो लगा दिया है, 5 तो लगा दिए गाइस, अभी हमें 3 और चाहिए, 6 आइस 7
ओके द लास्ट वन, भाई लास्ट वन कहाँ लगेगा, वन टू थ्री, हेयर वी गो गाइस। तो गाइस हमने लगा दिया है यहाँ पे, और चार्ली ना आ जाए इधर, चुच्चू ना आ जाए। ओके तो गाइस हमने यहाँ पे बॉम्ब तो फिट कर दिए हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हमें उसी बंदे के पास वापिस जाना है जिसने हमें बॉम्ब दिए थे। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस वो पास में ही है उसका घर, हम उसको बोल देंगे कि भाई हमने बॉम्ब लगा दिए हैं, यूजिन के बेटा, मतलब क्या ही बोलूं, हाँ यूजिन का बेटा, या तो उसको यूजिन का बेटा ही कहेंगे हम। दैट्स इट गाइस। ओके ओ भाई यार क्या यार, मैं तो इसके घर का फैन हूँ यार, क्या घर बनाया यार इस बंदे ने। ओके तो मेरे को इधर एक स्क्रैप दिखा था जो कि मैंने नहीं उठाया था। हाँ भाई ओके, सो गाइस इसने बोल दिया कि ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये आइलैंड का सबसे वीक ब्रिज है, मतलब समझ रहे हो ना, कमजोर सा, ठीक है। तो तुम्हारा काम है कि चार्ली को वहां पे स्पॉन करना और चार्ली को इस ब्रिज तक लेके आना उससे लड़ते लड़ते, ठीक है। और इसने बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, जैसे ही चार्ली यहाँ पे आएगा मैं बटन दबा दूंगा, ठीक है। बटन दबाने के बाद चार्ली वहीं पे फूट फूट जाएगा और चार्ली खत्म। दैट्स द प्लान। नाइस प्लान था यार, यूजिन के बेटा भी मतलब क्या मस्त बंदा है यार। चलो गाइस चलते हैं, अभी हमें गाइस आई थिंक देखते हैं कितने अंडे हो चुके हैं और क्या कुछ चाहिए हमें। अभी इन्वेंट्री वेंट्री किससे खुलती है, ये ले भाई हमारे पास एक अंडा है, ठीक है, और दो चाबियां हैं, ठीक है, और लॉक पिक्स है, टेंपल की है। ओके तो गाइस अभी हमें दो अंडे चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे चार्ली को स्पॉन करने के लिए। नाइस, मैं कहता हूँ कि हम ओके गाइस, तो हमारा आर्मर लेवल तो फुल हो ही चुका है, नाइस, और ये दो रह चुके हैं जो कि कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली इतनी बात है नहीं। तो लेट्स गो गाइस, मेरे को लगता है कि हमें 8-9 स्क्रैप बचा के भी रखने चाहिए, ताकि अगर चार्ली आए और हम उसको मार सकें आराम से, ऐसा कुछ। चलो गाइस चल। तो गाइस मैंने भी यहाँ से जा ही रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक माइन इधर ही है, इसके पास ही है माइन, वो रही माइन, ठीक है, जहाँ से हमने अंडा लेके आना है हेयर, ठीक है। तो गाइस हम चलते हैं अंडा लाने के लिए वहाँ से, हमारे पास चाबियाँ तो हैं ही माइन की, ठीक है, बस हमें अंडा लाना है उसमें से। तो गाइस अंडा ले आते हैं और लेट्स गो एंड फाइट चार्ली। गाइस इसके बाद हमारे पास दो अंडे हो जाएंगे टोटल। बल्ले बेटे भाई, गाइस मैं इधर आसपास आया ही था कि मेरे को पता चला कि यहाँ पे उसके कुछ, ले भाई आ गया, ले भाई आ जा, देख लिया क्या, उल भाई आ रहा है वो, फालतू का आ रहा है भाई मेरे पीछे, मत आ, तेरे को बोल रहा भाई कोई फायदा नहीं होएगा इस बात का, मरेगा तू फालतू का, मैं फिर से बोल दे रहा तेरे को, वार्निंग दे रहा तू, मत आ मेरे पीछे, ले भाई तू आ ही जा भाई, चल ठीक है, नहीं सुन रहा ना तो आ जा फिर, देखते हैं तेरा क्या सीन। अब भाई ना भाई ये क्या था, अच्छा मैं अपनी ट्रेन का रास्ता भूल गया था, मतलब मेरी ट्रेन कहाँ पे, मैं थोड़ा खो सा गया था क्योंकि मेरे को इतने रास्ते याद नहीं रहते। स्क्रैप तो लेके जाएंगे, आ रहा क्या, ले भाई पता नहीं कहाँ कहाँ पे भाई इसने मेरे को गोली मारा भाई, लेकिन ये मैं रोक, हट, ये क्यों कर रहा हूं मैं वैसे, अरे साले जला वला दूंगा तेरे को मैं फालतू का, बट मैंने पता नहीं जो भी किया वो क्यों किया था, मैं रॉकी लॉन्चर क्यों चला रहा था इसके ऊपर, एक बार दिमाग काम नहीं करता, समझ रहे हो ना। बट द थिंग इज दैट कि अगर ऐसा सीन हो जाता ना कुछ किया इस समय, इसकी जो शॉटगन्स हैं ये उठा सकते तो मजा आता है यार, बट नहीं उठा सकते इनकी शॉटगन्स, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर काश उठा सकते है ना, इसमें ऐसा कोई होता कि आप गन्स को उठा तो सकते हो बट आप उसमें सिर्फ दो, मतलब उसमें सिर्फ आपको दो जूनो चलाने के लिए दो बार ही मिलेगी वो शॉटगन, ऐसा भाई। यहाँ से तो हमने उसको काम खत्म कर ही दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे घूम रहा था सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पे गाइस हमें सिर्फ अभी स्क्रैप चाहिए, क्योंकि स्क्रैप्स तो गाइस जितने हमें मिले उतने कम हैं, तो हमें स्क्रैप चाहिए। और स्क्रैप्स ढूंढने के बाद हम चलते हैं सीधा नॉर्थ माइन के अंदर और देखते हैं कि नॉर्थ माइन के अंदर कितने लोग मिलते हैं हमें ऐसे घोंचू से। ये घोंचू, हाँ इसका नाम गाइस अभी से घोंचू रख दिया मैंने, पता नहीं क्यों बट हाँ रख दिया। ओके तो गाइस ये हमने ओपन कर लिया ये माइन भी, लेकिन डर बहुत लगता है यार इस माइन में, मतलब ऐसी माइंस में जाने के लिए। ओके स्क्रैप्स, ओ नाइस, अरे भाई क्या बात है यार, ये चमक वमक कैसे रहा भाई ये, हाउ, ओह माय गॉड गाइस क्या माइंड बनाई है यार इन बंदों ने। तो गाइस यहाँ पे मेरे को सीटी की आवाज सुनाई दे रही है, क्या बोलूं मैं भाई, डर लग रहा है इधर, देखो कितना खून वून हो रखा भाई, ये ले इधर बंदा आ रहा है भाई, अपनी मस्ती में गा रहा है भाई, बट कोई नहीं डरते थोड़ी ना, और मेरे को लगा बंदा आ गया भाई, ये पता नहीं क्या उड़ रहे थे ये, ऐसा ही फील हुआ। इस बंदा आ चुका है,
ओके, यहाँ पे चेस्टेज भी पड़ी है अगर हम खोलना चाहें तो, लेकिन खोल लेते हैं यार, स्क्रैप्स मिलेंगे यार। पेंट भाई, जी भाई, काहे चेस्ट खोली मैंने। मैं सभी मैं यहाँ पे ये चेस्ट खो रहा था, मेरे को पता चला कि चुच्चू घूम रहा है इधर। गुफा के अंदर भी आ सकता है क्या? मेरे को नहीं पता था। ओके, इधर आने का कोई फायदा नहीं था। वो जा रहा भाई जो भी है वो, बट हाँ मेरे को तो कोई चिंता करने की जरूरत है यार। भाई ये तो चुच्चू डरा रहा है, ऊपर से ये घूम रहे हैं इधर, सीटी बीटी मारते। ले भाई ले, आ गया भाई, ये ले भाई, मार रहा है ये। ओ ले भाई, मार ही दिया भाई, कतई जहर भाई। अरे यार मैं उतरा क्यों गाड़ी से भाई, ये इधर ही घूम रहा है भाई। यार यार देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ओके गाइस, फाइनली द थिंग इज दैट मैंने एक प्लान बना लिया अच्छा सा, कि हम कैसे जो है वहां से अंडे को उठा के लेके आ सकते हैं माइन से, मतलब माइन से जो हाँ गिरने वाला था, बहुत ही गंदा वाला। द थिंग इज दैट कि पहले हम इन लोगों को जो इधर इसकी माइन में ये हैं जो बंदे, उनको पहले हम भगा के बाहर लेके जाएंगे, और उसके बाद हम लोग सीन क्रिएट करेंगे कुछ, मतलब अपनी गाड़ी के पास लेके जाके इनको मार दिया करेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है ना। लेट देखते हैं कि ये प्लान। फाइनली मैं एक को तो भगा के बाहर लेके आ चुका हूँ, बट मेरे को ऐसा सीन है कि मैं भूल चुका हूँ आई थिंक मेरी गाड़ी कहाँ पे है। जान जाए तो जाए, लेकिन स्क्रैप ना जाए। ओ भाई गाड़ी कहाँ पे गई मेरी? उल्ले, ये रही मेरी गाड़ी भाई, 200 मीटर दूर है गाड़ी। भागेगा क्या 200 मीटर? मेरे को लगता है कि आज 200 मीटर ये भागेगा। यही आज मेरा प्लान था, मेरे पीछे आ रहा है भाई। चुच्चू बुच्चू ना आ जाए भाई, पता चले अगर चुच्चू आ गया ना तो ये डर के भाग जाएंगे, ऐसा ऐसी बात है मतलब। ले भाई, मेरे को लगा वो भाग रहा है वापस, मैं तो इसके मिलने गया था भाई, मेरे को मार रहा है। आला आज मेरे लाल, कोई इनको यार इतने अच्छे ढंग से शॉर्ट गन चलानी किसने सिखाई है भाई? भाई रन नहीं कर रहा हूँ, तू तो आ जा आ जा आ जा आ जा, ऐसे ही है भाई। तो मेरे को बोल रहा है ना तेरा भागना अच्छा, आ जा आ जा, क्यों डरता है क्या? अब तेरी ऐसी की तैसी, आ जा आ जा आ जा, आई रहा आई रहा आई जा तू। ए ये पुल नहीं कम्प्लीट, ये गाइस जो ये पुल है ये पार नहीं कर सकता ये गाइस। ये मेरे को ग्लिच पता चला न्यू, जो पुल नहीं पार कर सकता, तो मेरे को लगता है कि हमें पुल के उस साइड जाना ही पड़ेगा। चल भाई आ गया ना मैं, फिर भाग गया भाई वो। What the heck guys, इतनी मुश्किल से मैं उसको लेके आया भगा के इस साइड, वो चला गया वापिस। मेरे को फिर से दोबारा से लेके आना पड़ेगा उसे यार, क्या बात है यार, मतलब। ये ले बेटे भाई, मैं फाइनली इतना घूम के जाना पड़ा मेरे को अंडा लेने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, फाइनली हमने अंडा तो ले ही लिया। क्या फॉरएवर, अब मेरे को जाने दे भाई, फॉरएवर फॉरएवर मत कर फालतू का। क्या मैं फिर से घूम के वहीं आ गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? कि नहीं सही आया मैं, वहीं वहीं आ गया भाई। ले बेटे क्या सीन है, ये माइन है कि क्या है भाई? ओके फाइनली गाइस, समय पास अंडा आ चुका है, तो चलो चलते हैं गाइस अपनी ट्रेन में। बस ऐसा है कि रास्ते में चुच्चू ना मिल जाए हमें। और इफ चुच्चू मिला तो सीन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से हमारी ट्रेन में कुछ खास इतना है नहीं, आई थिंक दूर पास में ही है, तो चाहिए चलते हैं अपनी ट्रेन के पास। फाइनली हमें 2 अंडे मिल चुके हैं बहुत ही मुश्किलों के बाद। भाई क्या बोलूँ भाई, कैसे भाई, कैसे बंदे हैं भाई इधर, मतलब जो भी इधर स्कॉटी मतलब रक्षा बक्सा करते हैं ना जो इनकी, मतलब रक्षा क्या भाई, जो कि इनको छिपा के रखते हैं अंडों को, रक्षा ही करना कहते हैं पता नहीं यार, जो भी है यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बट हाँ। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ, हमारे पास 2 अंडे आ चुके हैं, अभी हमें तीसरा अंडा चाहिए। वाह गाइस लेट्स गो गाइस, हमारी ट्रेन फुली है अपग्रेड। ओके तो गाइस अभी मैंने क्या देखा कि हमें जहां पे जाना है, हमें यहां से पूरा का पूरा 680 मीटर दूर जाना है, क्योंकि द थिंग इज दैट कि वहां पे हमें उस गन का मिसिंग पार्ट मिलेगा जो कि उस लेडी ने बताया था, याद है ना, जो कि उसके हस्बैंड ने गन बनाई थी चार्ली को मारने के लिए। ठीक है, तो उसका हमें जो मिसिंग पार्ट है वहां पे मिलेगा। लेट्स गो गाइस, और देखते हैं कि वहां पे कितने लोगों का सामना करना पड़ता है हमें, इन चौंचू मौचू से लोग जो भी हैं, ये पता नहीं कौन सा मास्क पहन के घूमते हैं, जो कि पता नहीं इन्हें कहाँ से मिला, बट हाँ ठीक है जो भी मिला है।
क्या ही बोल रहा हूँ यार मैं, बस हाँ कुछ नहीं, बस यार चलो चलते हैं, आपको वहीं पे जाके मिलते हैं भाई। यहाँ से हम करते हैं ट्रैक चेंज, ये ले भाई हमने ट्रैक तो चेंज कर ही दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक देन गो। ओके तो गाइस फाइनली हम वहां पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमारे आते ही गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को इनका सामना आ जा जा जला वला दूंगा भाई मैं। ट्रेन की वाट लगा दी इन्होंने, ले यार क्या बंदा हूं भाई मैं, फालतू का अपनी ट्रेन की वाट लगा ली भाई। अरे यार मेरे को ऐसा लगा था कि एक एक गोली से मर जाएंगे, बट साले नहीं, ये गोली से मरने वालों में से नहीं है। बमचू लोग ये जिंदा है क्या अभी भी, क्या कर रहा है ये है? इसकी मुंडी की हिल रही है ऐसे फालतू की। ले बेटे चल भाई हमने क्या लेना, और किसी की तो नहीं हिल रही ना, नहीं बाबा और किसी की नहीं हिल रही, बट इसकी क्यों हिल रही है ये बुद्धक। ये भी सही है भाई, गज्जब भाई। लेकिन गाइस मेरे को लगता है, उम्मीद है कि हमने सभी को मार ही दिया है। उम्मीद क्या है, हाँ उम्मीद ही कर सकते हैं मतलब, क्योंकि तो गाइस हमें अभी यहाँ की सारी जगह की लूट करनी है, और उसके बाद गाइस हम चलेंगे चार्ली को मारने के लिए फाइनली। ये क्या भाई, वो ये रहा मास्क, वो क्या मैं पहन सकता हूँ इसे? नहीं पहन सकता, बट हाँ ठीक है भाई, क्या ऐसा डरावना सा मास्क है भाई ये। ऊ भाई ठीक है भाई, मेरे को अभी पता चला गाइस इस मास्क मतलब ये ऐसा मास्क है दिखने में, समझ रहे हो, जब मैंने क्लोज से देखा। तो गाइस यहाँ से मैं एक स्क्रैप मिला है, चलते हैं आगे लूटने के लिए इस जगह को, मतलब लूटने के लिए गया, सर्च करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, और ऊपर जाकर देखते हैं क्या है यहाँ पे। स्क्रैप मिला है यहाँ पे भी, लेट्स गो। हमने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च कर लिया है। ओके स्क्रैप मिला, स्क्रैप मिला, काफी मस्त। लेकिन यार सभी जगह मतलब ये इनकी एक मतलब एक तरह की जगह ही है मेरे को लगता है, मतलब क्या बोलूं मैं, जगह क्या ही बोल रहा हूँ। चाबी मिली गाइस हमें यहाँ से, जो कि हम जो नहीं खोला अभी तक हमने वो खोल सकते हैं मे भी। हाँ ओके यहाँ से चाबी मिल चुकी है हमें, लेट्स गो गाइस। ना इसमें को लगा चोट लगी, बट नहीं लगी। ओके हियर वी गो, मेरे को लगता है यहाँ से मिलेगा हमें कुछ, क्योंकि मैं इस टावर के ऊपर पहले नहीं चढ़ा कभी। एल बेटे ये तो पता ही नहीं क्या है भाई यहाँ पे। ओके लेट्स गो गाइस। अरे मतलब उनके बिना ये यार जगह से अच्छी सी नहीं लग रही यार थोड़ी, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा मतलब समझ जाओ यार खुद ही, सुननी सुननी सी फील हो रही, लाइक कोई है ही नहीं जैसे कि इधर जिंदा, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे भी स्क्रैप मिला, यहाँ पे भी हमें स्क्रैप मिला। ये गाइस हमें फाइनली ये गन का पार्ट्स मिल चुके हैं, फाइनली गाइस क्यूपिड इन योर ट्रेन। यहाँ पे गाइस हमें गन्स के पार्ट ढूंढ लिए, हमारे पास गन आ चुकी है अच्छी वाली है ये, पता नहीं कौन सी है, जो भी हो देखा जाएगा। लेट्स गो गाइस, माय ट्रेन रही वहां पे, और जाके देखते हैं कैसी लग रही है हमारी ये नई गन, और कैसी इसकी डैमेज, कैसा इसका रेट ऑफ फायर भाई, क्या बात है यार। क्या करना है, ये ओवर हीट होती, बट ऐसा है सीन है कि कम ओवर हीट होती है और डैमेज की अच्छी खासी होगी। चलो गाइस चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही मैं इक्विप करके रखूंगा, बिकॉज द थिंग इज दैट, क्योंकि हमें मेनली यही चाहिए चार्ली को मारने के लिए। लेट्स गो गाइस थ्रू अनदर वन, जो हमारा मिशन रहता है, और चलते हैं उसके बाद गाइस। ओके सो गाइस फाइनली हमारे पास हो चुके हैं कितने एग्स, बोले तो हमारे पास तीनों एग्स हो चुके हैं। लेट्स गो गाइस, मैप पे देखते हैं कोई और मिशन तो नहीं रहा। नो गाइस नो मिशन लेफ्ट गाइस, वी ओनली हैव दिस फाइनल, लाइक फिनिश इट करके कुछ भी है जो भी है ये। तो गाइस चलो चलते हैं फिनिश के पास और करते हैं इसको फिनिश, लेट्स गो गाइस। ओके सो गाइस फाइनली हम पहुंच तो चुके हैं लास्ट जगह के पास, जहां से हमें चुचू को स्पॉन करना है। लेट्स गो गाइस, 300 मीटर दूर है यहां से, यहां मैं इसलिए कहता था कि चेस्ट पड़ी थी यहां पे। लेट्स गो बेबी, ये हमारी गाड़ी के सिंग निकला है कैसे? ओह नाइस, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशंस जो कि हमने की है अपनी गाड़ी के, उसी अपग्रेडेशन के कारण जो है ये सिंग निकल चुके हैं। हैं ये बात है भाई, ये भाई स्क्रैप तो दुनिया भर के मिल रहे भाई कसम से, ये हमें जरूरत भी पड़ने वाली है स्क्रैप्स की।
That's why मिल रहे हैं guys. Let's go. Guys, finally हम पहुंच भी चुके हैं उस पे, उस जगह पे मतलब जहाँ पे हमने आना था. और हमें चाहिए कुछ 28 और 28 scraps, 56 scraps चाहिए, ठीक है. बट कोई बात नहीं, हम 28 scraps की फुल अपग्रेड कर लिया गाड़ी हमने. और गाइस अभी हमारे पास 22 स्क्रैप्स पड़े हैं, जो कि हमारे चुच्चू को जब हम फाइट करेंगे तो उस टाइम हमारी गाड़ी को रिपेयर करने के काम आएंगे. लेट्स गो गाइस टू दैट टेंपल एंड देखते हैं वहां पे जाके क्या सीन होता है. मेरे भा गो 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 गोविंदा गोविंदा, मतलब क्या ही गा रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं. ओके ये तो आवाज ही इधर से पता नहीं किस, अरे उसकी आवाज ही आ रही भाई. ओके तो मैं कहता हूँ कि मैं इधर से पहले जितने भी बंदे हैं अभी प्लान गाइस, मेरा प्लान सुनो, मेरा प्लान क्या है. मेरा प्लान ये है कि इधर जो भी बंदे ये घूम रहे हैं चोमू से मॉव, ठीक है, उनको हम लोग पहले भगा के ले जाते हैं अपनी ट्रेन के पास जो कि सामने खड़ी हुई है, वहां पे जाके इनको मार देते हैं ताकि ये हमें कोई प्रॉब्लम ना करें. अंडों को उस पता नहीं जो भी है वो प्रिज्म उसमें घुसेड़ने के लिए. ओके तो गाइस अभी सीन क्या है कि इस टेम्पल के अंदर आई थिंक हमें वो प्रिज्म मिलने वाली है जिसमें हम ये 3 अंडे लगाएंगे और चुच्चू स्पॉन हो जाएगा. वाओ गाइस लेट्स गो गाइस, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं इस पल का. ये ले भाई चुच्चू आ गया. चुच्चू इधर ही घूम रहा था भाई, लेकिन मेरे को डर तो लगा यार. देख ओ भाई इधर ही घूम रहा है चुच्चू. ये ले भाई, इसको पता चल गया. अरे ले भाई मारा शॉटगन. अरे मत चला चुच्चू आ जाएगा, फालतू का शॉटगन चला रहा भाई. ले बेटे बेटे तेरे को भगा भगा के ऐसा भगाऊंगा ना, ऐसा भगाऊंगा ना तो याद ही रखेगा. अरे ले बेटे देखता जा तेरा हाल क्या होता. मेरे को एक बार ना मेरी गाड़ी के पास ले भाई, एक और पड़ गया हमारे पीछे. ले भाई ये हमें लगने लग गई हैं चोटें, मतलब चोटें क्या. ये ले भाई एक और आ गया इधर, ये भी सही है गाइस. ओ भाई ओए भाई ओ भाई 3 शॉटगन्स पड़ी मेरे को, पता नहीं क्यों मारा उन्होंने मेरे को, बट हाँ मारा उन्होंने मेरे को बिना फालतू के. यस आई एम फास्ट, तुम्हें नहीं पता था क्या छोरो. ले बेटे तू तो गया. ये ले भाई फाइनली गाइस मैंने मार दिया, बट हमारी गन है वो ओवरहीट हो चुकी है. ले भाई मर गए ये तीनों के तीनों. ले कोई फायदा हुआ कुछ पीछे भागने का. मैं बोल रहा है मेरा कोई मकसद नहीं तुम्हें मारने का, बट नहीं इन लोगों ने पंगे लेने मेरे से. साला ले लिया पंगे फालतू के बकचोदी कर रहे. चलो गाइस चलते हैं दोबारा से नहीं पे. बस मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि हमने मार दिए होंगे जितने भी इधर घूम रहे थे वो चौमू से लोग. अभी भी है यार इधर कितने हैं, इधर बहुत ज्यादा हैं मेरे लग रहा है गाइस. भाई धब्बा बदौनी न कर रहा इधर गाइस, हम तो आ तो चुके हैं इसके अंदर. भाई हमें चेस्ट मिल चुके हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है. और जो मर्जी हो बस पेंट मत देना यार. सो गाइस स्क्रैप मिल चुके हैं, चलते हैं वहां पे. मतलब यहां पे हम ले बेटे ले भाई आ जा भाई इसी का तो मैं वेट कर रहा. और भी कोई है क्या आसपास में. और ले भाई मारा मेरे को उसने गंदा वाला. अगर कोई है मैं घुसुंड मारूंगा तेरे. बात ज्यादा मत बोल तू, फालतू का बोल रहा है. एक तो फालतू के बोलते बहुत हैं यार ये लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट हाँ बोलते तो हैं यार. आ रहा है पीछे, आ जा साले. हमारी ट्रेन गई सामने ही है, लेट्स गो. मैं इधर फंस गया, नहीं फंसा, मेरे को लगा मैं फंस गया. ये ले भाई मैं तो भाग भाग के आ रहा था. अरे तो वो पीछे चले जाते ना जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई. ये आ ही रहा मेरे पीछे. अच्छा ले भाई मेरे को पहले दिखा नहीं ये साला. यस आई एम रनिंग ब्रो, को बता रहा भाई मेरी ट्रेन आ गई मेरे पास, मतलब मैं अपनी ट्रेन के पास आ गया. दैट्स इट. अबे 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 कथई जला भला दिया भाई इसे तो. गाइस कुछ तो हुआ गड़बड़. चुच्चू आया इधर, नहीं आया. चलो गाइस चलते हैं, चुच्चू ना आए बस यार, और तो कोई चिंता नहीं है. और मेरे को लगता है फाइनली हमने जितने भी गार्ड्स थे इस मंदिर के, ये टेंपल ही है हाँ, इस टेंपल के उनको हमने कर दिया है थोड़ा ख़त्म सा. और अभी हमें चिंता करने वाली कुछ
नहीं मतलब अभी हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बट हो भी सकती है, हो सकती है बट नहीं कोई बात नहीं गाइस। अपने इधर से मार दिया, इसको करते हैं अनलॉक और ये गाइस खुल गया फाइनली। ये रहा गाइस वो प्रिज्म जिसमें हमने अंडे घुसेड़ने हैं, जैसे इसमें हम अंडे डालेंगे भाई हमारा चूचू हो जाएगा स्पॉन और हम फिर गाड़ी वाड़ी का भाई वैसे हम फिर उसको मारने के लिए पूरा फुली रेडी हो जाएंगे। लेट्स गो गाइस नाउ सी ओ माय गॉस कथे इल्यूमिनेटी लग रही है भाई सच में। ये ले बेटे डाल ही रहा मैं भाई एक अंडा भूज दूसरा अंडा चुक ये भाई गया तीसरा अंडा इतना स्लो मोशन में क्यों जा रहा था ये आ गया भाई जिसने 40 बनाया था आई थिंक। ओके ओह बट डोंट वरी आई एम नॉट अफ्रेड बेटे चार्ली चुचू आ गया। ये क्या भाई हिल गए सभी। ओ भाई ले भाई ये आ गया भाई चार्ली अब तो भागना पड़ेगा भाई देख और भागना भी बहुत तेजी से पड़ेगा मैं बोल दे रहा ठीक है ना पता चले चार्ली वाले हमें खा पी गया चुचू। ओ भाई देखो भाई कितना खतरनाक रूप है इसका लास्ट मोटा मुलाकात हमारी फाइनल मुलाकात भाई साहब मेरे को नहीं पता क्यों मैंने ये किया और ये उसको भी खा गया भाई जिसने इसको बनाया था। ये ले बेटे मैं तो गया नहीं बट मैं फिर भी गाइड डर तो लगता है यार। फाइनली गाइस रिपेयर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आ जा भाई ले भाई गाइस फाइनली फाइट हमारी और ले बेटे मत आगे ले भाई बेटा हमारे पास ही आ रहा भाई क्या बात है यार व्हाट अ फाइट यार ये काफी मस्त फाइट होने वाली है। ये क्या हुआ ओए गायब हो गया ये फिर से आएगा क्या कहां से आएगा बेटे गायब क्यों हो गया ये ले भाई ये आ गया ले बेटे कोई बात नहीं चार्ली ये ले भाई क्या जादू तोड़ने से कर रहा भाई ये मेरा एम कब सही होएगा भाई उल्ले भाई गायब हो गया। ओ भाई ये गाइस वैसे मेरे को पता तो है नहीं कैसी है बट हाँ कथी बकवास गन है ये जो कि मेरे को लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्या हो गया इसे पर क्या चोखे दौरे दूरे पड़ रहे भाई इसे ले बेटे गाइस गन है ये अच्छी मतलब पर यार हीट बहुत गंदी होती है व्हाट द हेक ओए ओए ले भाई ये वही गन है गाइस जिसका ना इसका नाम हमने बॉब रखना था ले ले बेटे ले 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 पे कितनी रो रो गन है भाई कैसे रो रो के चल रही भाई ये ले 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 बेटे चू चू तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब क्या क्या दौरे पड़ रहे भाई इसे मेरे को खुद को ही नहीं पता चल रहा। मेरे को लगता है गाइस ये हमारा टाइम भी आ गया ट्रेन रिपेयर करने का। ले भाई बेटे हालांकि आज मैं ये चलाना नहीं चाहता था बट मेरे को जिसने मजबूर कर दिया गाइस चलाने को बट कोई फायदा नहीं है। दिस इज सबसे तगड़ी गन गाइस। ओ भाई साहब ले भाई गाड़ी रिपेयर करनी मेरे को पे क्या कुछ करना ले भाई चार्ली गया तू तो भाई बस चार्ली थोड़ा सा टाइम चुच्चू ये भाई क्या फाइट है पीक फाइट भाई गजब ओ ले भाई ते ये था क्या तेरा असली रूप मरवर जा भाई ले बेटे ऊपर ही चढ़ रहा मेरे ले भाई ये एक तो ना जो ये जब ये गायब होता ना साले फ्लेम थ्रोर से तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा भाई जला रहा हूँ इसको जलने ओए ले भाई
ये बेटे क्या हो गया, ये मेरे को नहीं पता क्या हो गया, बट हाँ जो भी हो गया गाइस राइट लगता फाइनली चार्ले द एंड बेटे गाइस फाइनली हम उस ब्रिज के ऊपर ले आए थे चार्ले को, जो उस पे हमने बॉम्ब लगाए थे फाइनली। ओले भाई बैड भाई, उसका सीधा मुंह घुस गया भाई उस तिक्की से डंडे पे भाई। अब पिक भाई, पिक भाई, क्या बात है यार, क्या बात है यार, एकदम मस्त है यार, काफी तगड़ी थी भाई गेम। आई लाइक दिस गेम लाइक वो मैन। ये क्या, ये क्या दिखाने जाते हैं, मेरी चुच्चू चार्ले टू आ रही लगता तो है मेरे को। ले भाई बेटे, ये बच्चा बच्चा है क्या चार्ले का, ट्रेन अंडे कब से देती भाई, मतलब क्या। ठीक है भाई ले भाई, एक चुच्चू को मारा, नया चुच्चू आ गया, मतलब आएगा। गजब भाई, What the heck? तो फाइनली गाइस ये हमें यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि चुचू चार्ल्स 2 भी आने वाली है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमने खत्म कर दिया आज हमारी यूट्यूब चैनल की फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट गेमिंग सीरीज, दैट इज फाइनली हमने यहाँ पे खत्म कर दिया हमारे YouTube चैनल की फर्स्ट सीरीज स्टार्टी चुचू चार्लेस। गाइस मेरे को काफी मजा आया इस सीरीज में, काफी मस्त थी ये गेम, छोटी थी बट ठीक थी, तो इसलिए मैंने चाहा कि यार क्यों ना इसको कंपेयर किया जाए, क्योंकि काफी लोग इस गेम को ट्राई कर रहे थे और मेरे को अभी जाके पता चला कि क्यों इस गेम को इतना ट्राई किया जाता था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको भी ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस लेट्स गो।